पेगासस जब बहुत बदनाम हो गया तो जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्वेलेंस वाली सरकार है ये अब नया स्पाइवेयर मार्केट में ढूंढ रही है और आरएफपी भी इन्होंने निकाला हुआ है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने कॉग्नाइट स्पाइवेयर उपकरण खरीदा गया है जो पेगासस का विकल्प है, इस देश में अभी लाया जा रहा है। और पेगासस की जो प्रणाली है उसकी तुलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में। लेकिन जो अमेरिकन लॉ फर्म है एक, मैं आपको ये भेज भी रहा हूं, जो उनका कोट है कॉग्नाइट के विषय में, वो मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि वो कॉग्नाइट को वो क्या परिभाषा इन्होंने दी है। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेरफेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाइवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर, एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। 120 मिलियन यानी कि 986 करोड़ का इस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा, मेरा और आपका 986 करोड़ खर्च होगा इस स्पाइवेयर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी मुझे लगता है, हालांकि ये लोग तो शाह और शहंशाह तो बड़े ट्रेंड हैं।